तो अभी तक हमने जाना कि स्टॉक मार्केट क्या है और ये कैसे काम करता है। अब चलिए जानते हैं कि स्टॉक मार्केट किन सिस्टम से मिलकर बना है और इसे कौन चलाता है। तो स्टॉक मार्केट को टोटल 5 चीज़ें मिलकर चलाती हैं, जिसमें से सबसे पहला हो गया स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज दो तरीके का होता है, एक तो हो गया BSE और दूसरा हो गया NSE। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नंबर दो पे आता है SEBI। इसका काम ये रहता है कि इसकी निगरानी करनी होती है पूरे स्टॉक मार्केट की, और चीज़ों को देखना होता है कि सारी चीज़ें ढंग से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, और भी आने वाली चीज़ों को कैसे सुधारा जा सकता है उसका काम SEBI देखता है। और उसके बाद नंबर तीन पर है एजेंट और ब्रोकर्स। इसमें जैसे कि आपने ऐप्स का नाम सुना होगा जिसको डाउनलोड करके आप शेयर खरीदते या बेचते हो, जैसे कि अप स्टॉक्स हो गया, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, दोस्तों ये सारे ब्रोकर्स हैं। और इसी में जो एजेंट्स होते हैं वो रिकमेंड करते हैं कि कौन सा शेयर आपको लेना चाहिए या फिर कौन सा नहीं लेना चाहिए, और ये पूरा आपका अकाउंट ओपन करके देंगे और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये हेल्प करते हैं। पुराने समय की तुलना में अब एजेंट काफ़ी ज़्यादा कम पड़ गए हैं, क्योंकि सारे लोग ऑनलाइन ही शेयर खरीद और बेच ले पा रहे हैं। नंबर चार पर है क्लियरिंग हाउस। इसका मेन काम ये होता है कि जो पैसे होते हैं जो डिपॉजिट किए जाते हैं और जो शेयर सेल और बाई किए जाते हैं उनका यह पूरा ध्यान रखता है, और यह सुनिश्चित करता है कि जो पेमेंट है वो सही से हो पा रहा है और जो शेयर बेचे या खरीदे जाते हैं उनका पेमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो ये इसको ध्यान रखता है और सिक्योर करता है। तो जब भी कोई भी आप शेयर खरीदोगे अकाउंट में पैसे ऐड करके किसी भी ब्रोकर में, और उसके बाद जब भी आप कभी भी उसको सेल करोगे तो जो शेयर का सारा पैसा है यानी कि जो उसकी प्राइस है उसका आपका बैंक में जो भी ट्रांसफ़र करने का वो काम ये करता है। तो आप इसलिए बेफिक्र होकर शेयर खरीद सकते हैं और जब भी आपका मन करे आप उसको सेल करके अपना जो भी पैसा है वो आप प्रॉफिट के साथ में अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। अब दोस्तों जो लास्ट नंबर पर है, नंबर 5 पे, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सारा जो बैकग्राउंड में काम होता है वो इसी का ही काम होता है। तो जो नंबर 5 पर आता है उसका नाम है डिपॉजिटरी। इसका काम ये रहता है कि जो भी शेयर हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में उसको स्टोर करता है, यानी कि जितने भी शेयर आगे आने वाले होते हैं ब्रोकर के अंदर और जितने भी उसमें मौजूद होते हैं उन सभी का डेटा इसके पास होता है। यानी कि अब तक का स्टॉक मार्केट में जितना भी शेयर का डेटा कलेक्ट हुआ है वो सारा इसी के पास ही रहता है, और जितना भी ब्रोकर आज तक भारत में हुए हैं वो सभी इसका यूज़ करते हैं और इससे सारा डेटा लेते हैं। दोस्तों भारत में अभी तक सिर्फ 2 ही डिपॉजिटरी सिस्टम बन पाए हैं, जिनका नाम आपने पहले भी सुना ही होगा, जैसे कि इसमें से पहला हमारा है NSDL और जो दूसरा नाम आता है उसका नाम है CDSL। तो आगे के पार्ट में हम इन दोनों चीज़ों के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं।